नमस्कार, मैं हूँ यास्मी। कंगना रनौत के मुंबई वाले ऑफिस पर बीएमसी ने बुधवार को बुलडोजर चला दिया था, जिसके बाद शिवसेना सरकार हर किसी के निशाने पर आ गई। वहीं कंगना ने भी उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा था कि आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। वहीं इसके बाद कंगना की मां आशा रनौत ने भी शिवसेना सरकार पर हमला बोला। शिवसेना सरकार पर निशाना साधने के बाद कंगना की मां आशा रनौत ने बिग बी यानी अमिताभ बच्चन की चुप्पे पर भी निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, सुना था मुंबई में एक मर्द तांगे वाला रहता था, जिसे लोग महानायक कहा करते हैं। आज एक बेटी कंगना रनौत के साथ अपमानजनक व्यवहार हो रहा है, तब वो महानायक कहाँ छुपा हुआ है? क्या एक महिला के साथ खड़े होने की ताकत नहीं है उसमें? आशा रनौत के इस ट्विटर अकाउंट की हम पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर इसे कंगना की मां आशा रनौत का ही अकाउंट बताया जा रहा है। बता दें कि कंगना और शिवसेना के बीच जो विवाद शुरू हुआ है, उस पर कोई भी बड़ा एक्टर अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। और जहां तक सदी के महानायक की बात है, तो वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं, लेकिन कंगना के साथ जो बीएमसी ने किया, उस पर बिग बी ने कोई कमेंट नहीं किया, इसलिए वो अब निशाने पर आ गए। बताते चले कि जब बीएमसी ने कंगना का ऑफिस तोड़ा था, तब मुंबई पहुंचने के बाद कंगना ने एक वीडियो जारी करके उद्धव सरकार पर हमला बोला था। चलिए सुनाते हैं आपको वो वीडियो। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया है, और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी। और अपने देशवासियों को जगाऊंगी, क्योंकि मुझे पता था हमारे साथ होगा तो होगा, लेकिन मेरे साथ हुआ है, इसका कोई मतलब है, इसके कोई मायने हैं। और उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।